गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए कक्षा 12वीं वाले ध्यान दे लें, इस वीडियो पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ आपके लिए। देखिए जो आपका आज पेपर होने वाला है कक्षा 12वीं वालों का रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का, तो ध्यान दे लें इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए मैं सुबह सुबह लेकर आ गया हूँ क्योंकि आज आपका जो एग्जाम होने वाला है 1 बजे से, तो जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चंस को देख लें, इनके आंसर मैंने प्रोवाइड करा दिए थे एक वीडियो में, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप विजिट कर सकते हैं तो चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके पहले मैं 2 वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए थे और साथ में मैंने उनका सॉल्यूशन भी दिया था। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो जल्दी से आप इन वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो को देख लें आप। ए पहला जो क्वेश्चन है हमारा, मूल फिरवाज किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। आपने अपनी तैयारी तो कर ली होगी लेकिन इनको आप एक बार जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा और पांचवा, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इनको टिक कर लीजिए आप, ठीक है, इनको नोट कर लें या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप। 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए, इसके बाद छठवां, सातवां, आठवां, नौवां आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जल्दी से आप इनको स्क्रीनशॉट कर लें या फिर इनको नोट कर लें। नेक्स्ट ये आपका 10वां और 11वां, ठीक है, ये आपने इतना नोट किया। नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलता हूँ मैं आपको, ये देखिए नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो हमारा 12वां क्वेश्चन, द्विकलवण एवं संकुल यौगिक में अंतर लिखिए, ये देख लें आप, लेगेंड क्या है लिखिए, ये देख लें आप। इसके बाद 14वां, निम्नलिखित उपसह संयोजक युग्मकों के सूत्र लिखिए, तो यहाँ पे आपको टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, सह संयोजक युग्म का सूत्र लिखना है। इसके बाद एक क्लोराइड दिया गया है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका पोटेशियम टेट्राएमीन साइनिडो निकलेट, ठीक है, तो ये आप लिख लें इसका सूत्र। और नेक्स्ट है आपका 15वां, प्रभाज बी परमाणु संख्या EAN क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आपका 16वां 17वां क्वेश्चन हो गया और नीचे आपका 18वां, जल्दी से स्क्रीनशॉट करते जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 19, 20, 21, 22, 23, इनको स्क्रीनशॉट कर लें आप। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 24 क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है, तो 24वां क्वेश्चन है, तो ये 24 क्वेश्चन है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इनको जरूर पढ़ लें, आपकी तैयारी हो चुकी है आई नो, बट आप इनको भी एक बार जरूर तैयार कर लें क्योंकि ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वो वीडियो भी जरूर देख लेना जो मैंने इससे पहले अपलोड किए थे, उसमें इनके आंसर्स भी दिए गए हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने पहले अपलोड किए थे। थैंक यू।